मैं महमद, महमद दोहम, मुराद का बेटा, बच्चा सुल्तान। सुल्तान बनने से कबल मैं सिर्फ 12 साल का था। ख्वाब देखता था, खाने पीने से ज्यादा ख्वाबों का ख्याल था। ख्वाहिश थी कि अपने परदादा उस्मान के साथ बेलेजिक की जंग में शामिल होता और हान के साथ बुरसा फतह करता, अंकारा की जंग में शामिल होता और दादा यिल्दिरिम के साथ जा शामिल होता और उन्हें गद्दारों से खबरदार रहने को कहता। मगर मेरे बाबा, सबसे बढ़कर मेरे बाबा, मेरे सारे ख्वाब मेरे बाबा के मुतालिक ही थे। हर जंग जिसमें वो शामिल हुए, हर फतह जिसका वो हिस्सा थे, उसमें मैं भी हर ख्वाब में उनके साथ था। मैं हर कदम पे उनके साथ था, सोचता था ख्वाब हकीकत बनेंगे और मैं बाबा के साथ मिलकर जंग लड़ूंगा। हमारे खाने के दस्तरखान की तरह हमारा ख्वाब भी एक ही था। ऐसा हुआ मगर मेरी मर्जी के मुताबिक ना हुआ।
एक दफा आपने फिर सारी दुनिया पर यह साबित कर दिया कि आपको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है सुल्तान मोहतरम। नुकसान कितना हुआ खालिद पाशा? नुकसान चाहे जितना भी हो जाए मगर नतीजा देखा जाता है। कितना हुआ पाशा? 20,000 से जायद मेरे सुल्तान। यानी बहुत ज्यादा। सुल्ताने मोहतरम, हमले हुए जा रहे हैं और हमारे अंदाजे धरे के धरे रह गए हैं, न जाने कब तक ऐसे। मेरे सुल्तान, शहजादे महमद ने बहुत बहादुरी दिखाई, हमें उनकी इस बहादुरी पर फख्र होना चाहिए। शहजादे ने अपने आप को और सिपाहियों को खतरे में डाला, अगर बड़ा नुकसान हो जाता। पाशा, मैदान जंग में दिखाई जाने वाली बहादुरी कब से ऐब बन गई, हमें भी बताइए। बहादुरी से ज्यादा जल्दबाजी कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। अगर देखा जाए तो इस मामले में उनकी तरबियत हमारी। पाशा,